शुभम, ये जज्बा आखिरकार आप में क्यों है? ये इसलिए साहब, मैं तो अकेला गाड़ी लेके जाता हूँ, हमें तो सभी तरीके के लोग मिलते हैं, और मेरे माँ बाप ने सिखाया है कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भेदभाव नहीं करें। ये खिदमत का जज्बा और जोश क्यों है आखिरकार? क्या सोच करके इंसानियत में एक नफरत फैलाई जाती है खासतौर पर? साहब वो लोग करते हैं जो फ्री घूमते हैं बिल्कुल, जिनको काम धंधा नहीं है, बाकी सब भाई भाई हैं, अपन बैठना उठना साथ है तो फिर खिदमत में क्यों नहीं करते? पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस्तमे का दूसरा दिन भोपाल पर मैं मौजूद हूं और तमाम तस्वीरें पहले दिन की आप लोगों के साथ साझा की, और आज दूसरा दिन है इस्तमे का और दूसरे दिन भी लगातार कवरेज आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। पर जब बात इस्तमे की आती है, जब इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो वहां किस तरीके का इंतजाम होगा, किस तरीके से खिदमत दी जाएगी, तो जहन में एक ही बात हर किसी की ताजा होगी कि साहब मुस्लिम लोग जो हैं वहां इकट्ठा होते हैं और मुस्लिम लोग ही खिदमत दे रहे हैं। पर देश जो है हमारा बदल रहा है और तस्वीर हमारे सामने है कि तमाम ड्राइवर जो है वो मौजूद है, कई दिन से यहाँ लगातार अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, कोई एक दिन से कर रहा है, कोई दो दिन से, कोई तीन दिन से लगातार यहाँ लगा हुआ है। मैं सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा भाई। नरेश नाम। नरेश नाम है, मतलब आप कब से अपनी खिदमत दे रहे हैं? कल से आ रहे हैं। मतलब मैं आपसे ये भी एक सवाल जानना चाहूंगा कि जिन लोगों को आप लेकर के जाते हैं उनसे कभी किसी तरीके की कोई दिक्कत या समस्या पैदा हुई? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या? किस तरीके से सहयोग करके चलते हैं वो लोग आप लोगों के साथ? सहयोग करके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नरेश नाम आपने बताया, नरेश आपका नाम है भाई, आपका नाम क्या है? मुकेश ठाकुर। मुकेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। भाई किस तरीके से लोगों को आप ले जाने लाने का काम करते हैं? भाई बिल्कुल एक खिदमत में जो होता है उसी तरीके से अच्छे व्यवहार से ले जाना। खिदमत जो पेश कर रहे हैं आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, किसी अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये खिदमत का जज्बा और जोश क्यों है आखिरकार? क्या सोच करके? इंसानियत। ये इंसानियत का पार्ट आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूंगा ठाकुर भाई कि कितने दिन से आप लगातार यहाँ लगे हुए हैं? चार रोज हो गए। चार दिन में कितनी बार लोगों को लाने ले जाने का काम कर चुके हैं? तकरीबन पांच छह बार लोगों को ले जाने का काम कर चुके हैं। बाकी और भी गाड़ियां आती जाती है ना, और भी गाड़ियां आती जाती रहती। आप चार दिन से यहाँ मौजूद हैं क्योंकि इस्तेमाल कल से शुरू हुआ है। आने जाने का सिलसिला कब से शुरू हो गया था? आने जाने का तीन दिन से सिलसिला शुरू हो गया था। तीन दिन से जो है लगातार जारी है। आप यहाँ पर चार पांच बार चक्कर लगा चुके हैं, कभी किसी तरीके की कोई दिक्कत समस्या आई? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है किसी की भी तरफ से। किस तरीके का सहयोग रहता है उनका? बहुत सही सहयोग रहता है उनका, पूरा सहयोग रहता है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जिनके बारे में बात करेंगे। मैं भाई आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा। शुभम गोस्वामी नाम है आपका। शुभम भाई कब से आप यहाँ पर खिदमत दे रहे हैं लोगों को? कल से दे रहे हैं सर, कल से लगे हैं सेवा में। जो भी जमान आती है गाड़ी में बिठाते हैं, चले जाते हैं। कितने चक्कर लगा चुके हैं? मतलब कल तीन चक्कर लगा चुके हैं। तीन चक्कर लगा चुके हैं। किस तरीके की कोई समस्या या दिक्कत आती है? और क्यों आप खिदमत पेश कर रहे हैं यहाँ पर? सब आप लोगों के साथ ही जुड़ना मिलना है, सब मालिक एक ही है, सबका लगे हुए हैं, सब सेवा करने। मालिक एक ही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो आज के दौर में एक नफरत फैलाई जाती है खासतौर पर, साहब वो लोग करते हैं जो फ्री घूमते हैं बिल्कुल, जिनको काम धंधा नहीं है, बाकी सब भाई भाई हैं, अपन बैठना उठना साथ है तो फिर खिदमत में क्यों नहीं कर सकते? बैठना उठना साथ है तो हम लोग खिदमत पेश क्यों नहीं कर सकते? एक आप तीन आप खासतौर कोई मैसेज देना चाहें इस नफरती भरे मुल्क में, क्योंकि आप एक इंसानियत का पैगाम पेश कर रहे हैं भाई। साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबका मालिक है, सबका मालिक एक ही है। मतलब शुभम आपकी उम्र कितने साल की होगी? मेरी 27 साल है साहब। देखिए 27 साल का शुभम जो है एक मैसेज लोगों को पेश कर रहा है। आपकी उम्र कितनी होगी भाई? 26 आपकी। आपकी उम्र कितनी है भाई? 27 साल। 23 साल के आप हैं। मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक बस जो शुभम भाई ने जो मैसेज दिया वो हमारी तरफ से वही तमाम क्या है कि थोड़ा सा हिंदुस्तान में चल रहा है ना, हिंदू मुसलमान वाला धर्म पे होते हैं, बहुत से दंगे फसाद करते हैं कि हिंदू का दंगा है वो हो रहा है त्योहार, तो थोड़ा वो करो दंगा फसाद। मुसलमान का है तो हिंदू चाहते हैं दंगा फसाद करो, हम तो ये चाहते हैं सब मिलजुल कर रहे। शुभम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर के रहें और तमाम साथियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। शुभम ये जज्बा आखिरकार आप में क्यों है?
ये इसलिए साहब मैं तो अकेला गाड़ी लेके जाता हूँ, हमें तो सभी तरीके के लोग मिलते हैं, और मेरे माँ बाप ने सिखाया है कोई दिक्कत नहीं, किसी से भेदभाव नहीं करें। देखिए शुभम जो है ड्राइवर है और वो तमाम सुविधाएं जो है तमाम तरीके से खिदमत में लगे हुए हैं। शुभम अपनी तरफ से डीजल वगैरह भरवाते हैं किसी तरीके के? यहाँ लगाई ये अपनी तरफ से ही लगाई है, अपनी तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरीके से कोई किसी से वो नहीं लेते, किसी से कोई कुछ नहीं है। आप तीनों लोग अपनी तरफ से यहाँ खिदमत पेश कर रहे हैं। देखिए एक बहुत बड़ा मैसेज जो है देने की कोशिश शुभम नरेश, और आपने क्या नाम बताया भाई? मुकेश। शुभम नरेश और मुकेश अपनी जमातियों को खिदमत पेश कर रहे हैं। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करूंगा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया। देखिए इस समय की एक सबसे प्यारी तस्वीर जो है वो आप लोगों के साथ साझा हो रही है, जहां पर शुभम हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम भाई? मेरा मोहम्मद जफर कुरैशी नाम है मेरा, शुभम और मेरे साथ शुभम भाई, मैं, राजू भाई, मुकेश भाई, भाई सभी भाई, हम सभी अल्लाह के लिए खिदमत करने के लिए तैयार हैं, और ऊपर वाले को राजी करने के लिए किसी के दिखावे के लिए नहीं है ए ना, और अपना जान अपना माल खुद लगा रहा है ना, यहाँ पे इसी के कहने पे आए ना, इसी की मतलब वो हम सब ऊपर वाले को राजी करने के लिए आए, और हमारा हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं अल्लाह हमारा शहर में अमन हो, चैन हो, सुकून नसीब फरमाए, और हम लोग अभी तक एकता से रहें, हमेशा एकता से रहें, और हमेशा एकता से करते रहें। एकता का पैगाम जो है आप लोग पेश कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कितने दिनों से आप खिदमत पेश कर रहे हैं? हम जब से पैदा हुए हैं, जब से हमको मतलब होश संभाला, जब से हमको अंजाम दे रहा है, शुक्र है अल्लाह का, ऊपर वाले का वो करवा रहा है, उसका बहुत बहुत बड़ा एहसान है उस परवरदिगार का। मैं ये चाहता हूँ जब तक जिंदा रहूँ अल्लाह पाक मुझसे ये काम को करवाता रहे, हम सब भाइयों से, हम सब भाइयों से ये खिदमत पेश करवाता रहे, क्योंकि 2-2.5 साल बाद इस्तेमाल होने जा रहा है। इससे पहले जब ये हुआ था तो COVID-19 के दौरान पर तस्वीरें सामने आई, तबलीगी जमातियों को टारगेट किया गया, तो किस तरीके से देखते हैं जो अब तस्वीरें सामने? अब टारगेट उन्होंने किया था, उन्होंने क्या उन्होंने नफरतें फैलाई थी, वो नफरतों को खत्म करते हुए आज का इंसान कब समझता है, नफरतों को फैलाने वालों को तो ऊपर वाला देख लेता है, हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह पाक उन्हें भी हिदायत दे, हमारी तो ये दुआ है, और नफरतों के पैगाम फैलाने वालों को अल्लाह मोहब्बत दे। आज ये हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आपके सामने शुभम भाई भी है, आपके बीच बाहर जाते हैं साहब, हमें अच्छे लगते हैं, तो हम लोग सब एक करके रहते हैं, हम ये लोग ये नहीं जाते ये शुभम भाई है या गफर भाई है या मुन्ने भाई है, नहीं हम सब भाई है, और हमेशा इंशाल्लाह एकता रहने, ये दिन का काम है, ऊपर वाले का काम है, किसी के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए काम कर रहे हैं। शुभम भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बीते 2-2.5 साल पहले तस्वीरें सामने आई तबलीगी जमातियों को लेकर के इस्तेमा होने जा रहा है, देश भर से जमात आपके शहर में मौजूद है, कोई जो आरोप लग रहे थे कोई ऐसी चीजें आपने जमातियों में नोटिस की? नहीं साहब ऐसी कोई नहीं किया, हमें तो और अच्छा लगता है जब हम गाड़ी लेके जाते हैं बाहर, हैदराबाद हुआ, मद्रास हुआ, तो वहाँ पर पूछते हैं साहब कहाँ से आए, हम बोलते हैं भोपाल से आए, फिर बोलते हैं कि इस्तेमा भराता है वहाँ, तो हम बोलते हैं साहब आइएगा, फिर चले लगा नहीं कोविड के चक्कर में, इनके आपकी बार लगेगा आइए मिलेंगे स्टेशन, तो हर जगह जो है लोग मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, अच्छा लगता है साहब, सुकून मिलता है भोपाल में अपना, कोई ये जाते ही जब वहाँ से लगता है कि साहब भोपाल आएंगे तो मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम भाई हमारे साथ मौजूद थे जो ये साफ तौर पर एक प्यारा संदेश दे रहे हैं कि जब जब इस्तेमा यहाँ लगता है और जमातियों की खिदमत करने पर जो एक सुकून मिलता है वो अल्लाह राजी होना चाहिए, चाहे किसी को दिखावे के लिए नहीं, किसी से नहीं। तो एक प्यारी तस्वीर जिसे हिंदुस्तान कहते हैं वो हमारे पीछे देख सकते हैं शुभम, तमाम भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी खिदमत लगातार पेश कर रहे हैं बिना किसी सुविधा के और किसी चीज को लेकर के, वो यहाँ स्वार्थ से नहीं है कि वो चीज मिलेगी, बस एक ही लालच है कि कहीं ना कहीं उनका अल्लाह उनका ईश्वर उनसे राजी होना चाहिए।